यदा यदा युद्धस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सिद्धम्यहम्। हस्तिनापुर का विनाश न कर दूं। क्या होने वाला है बॉलीवुड और हॉलीवुड में? क्या अब राजा मौली बनाएंगे आमिर खान का ड्रीम प्रोजेक्ट? कौन होगा नया कृष्णा? इंडिया का सबसे बड़ा मूवी कोलैबोरेशन अगर कोई होने वाला है तो वो है मूवी महाभारत। जब इसका फैन में ट्रेलर रिलीज हुआ था तब हर जगह तहलका मच गया था। मूवी का सिर्फ स्केल ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड और टॉलीवुड के सबसे बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हैं। अगर किसी कास्ट को ड्रीम कास्ट बोलना हो तो वो महाभारत का ही होने वाला है। जैसा कि हमने कहा कि ट्रेलर रिलीज हुआ था वो फैन मेड था और उसमें कास्ट के नाम सिर्फ स्पेकुलेशन से लिखे गए थे। महाभारत मूवी में हमें महेश बाबू एस कृष्णा, भीष्म एस अमिताभ बच्चन, अर्जुन एस रामचरण, द्रौपदी एस दीपिका पादुकोण नजर आ सकते हैं। इस मूवी के एक्साइटमेंट को लेकर इससे कास्ट से बड़ी एक और खबर है कि इस मूवी को एसएस राजामौली, पेन मरूडा एंड रिलायंस एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बना रहे हैं। ये मूवी पहले आमिर खान बनाना चाहते थे लेकिन जब इसमें 5 पार्ट्स होने की बात की गई तो उन्हें ये आइडिया पसंद नहीं आया और उन्होंने इसका जिम्मा राजा मौली को दे दिया। अब हम तो इस चीज़ से वाकिफ हैं कि ऐसी हिस्टोरिक मूवीज़ को राजा मौली कितनी बखूबी बनाते हैं। इस कास्ट में लोगों के सबसे फेवरेट महेश बाबू एस कृष्णा नजर आएंगे। फैंस ने कहा कि उनका असली जिंदगी कैरेक्टर भी कृष्णा के कैरेक्टर से मिलता जुलता है। बता दें कि उनकी मूवी सीएम भारत को देखकर फैंस ऐसा ही कह रहे हैं। अगर कुछ सालों पहले कहा जाता कि ऐसी मूवी बन रही है इस कास्ट के साथ तो शायद कोई विश्वास करता भी नहीं, लेकिन ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि सच्चाई है और इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी ही होने वाला है। इसी ट्रेंड के चलते हमें रणबीर कपूर जैसे बेहतरीन एक्टर शिवा के रोल में दिखेंगे। महाभारत में शिवा का एक बेहद अहमियत वाली जगह मिलने वाली है। वो अर्जुन के गुरु होते हैं और उन्हें ब्रह्मास्त्र के वरदान देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रणबीर कपूर आयान मुखर्जी के साथ मिलकर अपना एक ब्रह्मास्त्र का यूनिवर्स बना रहे हैं जिसके 3 पार्ट्स आने वाले हैं। 3 में से 1 पार्ट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हाल ही में हुआ था, तो संभावना है कि ब्रह्मास्त्र के 2nd पार्ट आने से पहले महाभारत का सेटअप तैयार हो जाए और रणबीर इस मूवी में शिवा का रोल करके अपनी मूवी ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन भी कर दें। आजकल हम देख रहे हैं कि सीक्वल मूवी का जो सिलसिला राजा मौली ने बाहुबली के साथ शुरू किया था वो धीरे धीरे करके कैसे इंडस्ट्री का एक ट्रेंड बन गया है। पुष्पा, केजीएफ, ब्रह्मास्त्र ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इन सब को राजा मौली की महाभारत पीछे छोड़ देगी। वो इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हैं और बहुत सालों से इसके निर्माण में लगे हुए हैं। इस फिल्म के 5th पार्ट का नाम होगा द कर्स ऑफ गांधार, जिसमें हमें पता चलेगा कि कैसे जो कुछ भी अब तक होता आ रहा है वो सब किसने किया है। सारे कैरेक्टर्स शकुनी के उंगलियों पे चलने वाले प्यादे हैं और आखिर में आता है द विक्ट्री ऑफ धर्मा, जिसमें असली राज खुलता है कि शकुनी नहीं बल्कि कृष्णा थे जो इन सब का निर्माण कर रहे थे। जो कुछ भी हो रहा था सब उनकी मर्जी से हो रहा था।
कहानी का मोड़ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ स्टार स्टडेड कास्ट के साथ हम आशा करते हैं कि ये मूवी आज तक के जितने भी रिकॉर्ड्स है बॉक्स ऑफिस को सबको पीछे छोड़ देगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यहीं इसी चैनल पर। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।